नमस्कार दोस्तों, डीटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने मोबाइल को सीसीटीवी कैमरा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना मोबाइल पड़ा हुआ है जिसे आप अपने कमरे में या कहीं घर में या दुकान में सीसीटीवी कैमरा बना के उसको फिट कर सकते हैं और कहीं भी बैठकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, यानी आप उसे एक तरह का सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। सिंपली दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है आई पी वेबकैम। ठीक है, जैसे मैंने पहले यहाँ पर सर्च मार रखा है, मैं यहीं से आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आईपी वेबकैम सर्च करने के बाद में आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी। इसका आइकन आप देख सकते हैं, तो पहले से ही मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है इसलिए दोबारा इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ से सीधा सिंपल आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, ओपन होने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, सिंपल सबसे नीचे चला जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट सर्वर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसका एंगल आपको सेट करके और उसको रख देना है, जैसा कि मैं अभी अपने रूम में हूँ और मेरे सामने मेरा कूलर है और इसको मैं यहीं पर रखने वाला हूँ। ठीक है, और आपके लिए लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये वाला जो कोड दे रखा है आईपी, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है आपको मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्शन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे चलना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा शेयर आईपी, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए, आपके सामने व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक जो भी है, जहाँ भी आपको ये शेयर करना है वहाँ पर आप कर सकते हैं। सिंपल है, आसान है। तो सिंपल आपको मैं बताता हूँ कि इसका यूआरएल कॉपी कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी आईपी टू क्लिपबोर्ड, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका जो आईपी कोड है वो मैंने कॉपी कर लिया है। तो आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर, लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, सिंपल उसको आपको ओपन करना है। जैसा कि मैं अपने मोबाइल में इस टाइम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वो वाला यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में सर्च कर देना है। अब देखिए, इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर कई सारे फंक्शन मिल जाएंगे आपके लिए, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा कैमरा मैंने फिट किया था वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, पहले नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो रेंडर। यहाँ से आप अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी फ्लैश चला सकते हैं, कैमरे को ऑफ कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ऑडियो प्लेयर का, यहाँ से आप नो ऑडियो, फ्लैश, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और देखिए, नीचे और भी सारे फंक्शन दिए गए। अगर आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, इनमें से आपको क्लिक करके अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं और दे एक्सपोज कर सकते हैं, स्ट्रीम क्वालिटी देख सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन हैं और भी आप नीचे देख सकते हैं। देखिए, तो आशा रखता हूँ दोस्तों आप अपने मोबाइल को सीसीटीवी कैमरा बनाना सीख चुके होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, नहीं तो डिसलाइक। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।